हत्या, डकैती, रंगदारी जैसे 22 मामले का आरोपी जेडीयू सांसद के घर पहुंचता है, उनसे मिलता है, बात करता है, चाय पीता है और जैसे ही घर से बाहर निकलता है पुलिस उसे दबोच लेती है। पकड़े जाने पर सांसद महोदय कहते हैं कि वो उसे नहीं जानते हैं। भागलपुर के इस हिस्ट्री शीटर बदमाश का नाम कपिल यादव है। पुलिस ने उसे जेडीयू सांसद अजय मंडल के घोघा स्थित आवास के बाहर से गिरफ्तार किया है। फरार चल रहा कपिल यादव सांसद से मिलने आया था। कपिल यादव पर बीते 11 जून को बरारी थाना क्षेत्र में खंजरपुर में हुई फायरिंग की घटना में शामिल होने का आरोप है, लेकिन सांसद ने अपने घर के बाहर से एक कुख्यात अपराधी के पकड़े जाने पर जो कुछ कहा सुनकर आपको भी हंसी आ जाएगी। एक दिन पहले गिरफ्तारी परसों हुई है, एक दिन पहले वो हमको कॉल किया कि सर आप कहाँ हैं, मैं घर में हूँ तो आपसे मिलना चाहते हैं। फोन बोल रहे हैं, बोला कि मैं कपिल यादव मथुरिया से बोल रहा हूँ। ठीक है, आइए, मैं तो घर में सबसे मिलता हूँ, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक सबसे मिलते हैं, अगर दिन भर है घर में तो मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए। तो ठीक सर, हम आते हैं। तो वो आए हमारे पास दूसरे दिन, उस दिन भी फ़ोन किया सुबह सर घर में है ना, इसलिए हम घर में आ जाइए आगे मिलने के लिए। तो हमारे यहाँ तो करीब 15-20 आदमी पहले से बैठा हुआ था, वो भी आए, वो भी बैठे। हम चूँकि लेट से जगे थे तो फ्रेश व्रेश होने में लेट लगा, 30 मिनट के अंदर उनको देर लगा आने में, तो बहुत जनता 1 घंटा 1.5 घंटा से बैठा हुआ था। तो हम फ्रेश होकर के आए, इसके बाद मिलते हुए जैसे जैसे लोग आए थे वैसे वैसे मिलते गए। 4-5 आदमी थे, इनको पूछे आप कहाँ से आए, तो बताए कि हम कपिल यादव भथुरिया से, बताइए काम क्या है। तो मुझे मेरे भथुरिया ग्राम में जो वो रोड डैमेज है उसको सोचते हैं बना लेते हैं, उनसे कहा कि ये गाँव को मुखिया का है, लेकिन सर आप ही अपने फंड से दे दीजिए, 10-10 लाख का दोनों रोड बनेगा, इसलिए अभी हमारे पास फंड में पैसा नहीं है, इसलिए हम पैसा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि पैसा जब आएगा तभी इसमें तो आप आइएगा। कहा तो मतलब कोई बात नहीं सर, पैसा ही नहीं तो आप कहाँ से दीजिएगा। तो फिर मैंने कहा कि आप चाय पी लीजिए, उन्होंने चाय पिलाए चले गए। हमको बाद में जब रोड पर गए वो तो कुछ पुलिस वगैरह थे सिविल ड्रेस में, और इन्होंने उनको पकड़ के स्कॉर्पियो में बैठाया, हमको कुछ लोग आकर के बाहर से बोले तो ऐसे सिले गए। तो बाद में हमें पता लगा कि कपिल यादव क्रिमिनल, तो हम तो किसी का जात, उनका धर्म, उनका औकात पूछ करके, उनकी व्यवसाय पूछ करके उनसे मैं बात नहीं करता। मैं जात धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ, राजनीति का धर्म करता हूँ। खंजरपुर की घटना के बाद से ही पुलिस को कपिल यादव की तलाश थी। अपराधी कपिल यादव भागलपुर पुलिस के टेक्निकल सर्विलांस पर था। जैसे ही वो सांसद से मिलने घोघा पहुंचा, पुलिस अलर्ट पर हो गई। सादे लिबास में सांसद के घर के आसपास पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। पहले सांसद आवास से ही कपिल यादव की गिरफ्तारी होनी थी, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण कपिल यादव के बाहर आने का इंतजार किया गया। वो जेडीयू सांसद से समय लेकर मिलने आया था। सांसद अजय मंडल के घर से निकलते ही कुख्यात को पुलिस ने धर दबोचा। चित थे अभियुक्त, उनकी गिरफ्तारी की गई। सूचना प्राप्त हुई थी कि वो अपने सहयोगियों से मिलने के लिए झारखंड जा रहे हैं और वहीं रास्ते से जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। कॉन्ट्रैक्ट किलर कपिल यादव भागलपुर का बड़ा अपराधी है। कपिल पर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, रंगदारी, आर्म्स एक्ट, डकैती के 22 से भी अधिक केस शहर के अलग अलग थानों में दर्ज हैं। वो नाथनगर प्रखंड के भतोड़िया गांव का रहने वाला है। छोटी खंजरपुर गोलीकांड को छोड़कर बाकी सारे मामलों में वो बेल पर है। फिलहाल बरारी पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेशी कर जेल भेजा है। ये सुनकर ताज्जुब होता है कि एक अपराधी सांसद के घर आकर उनसे मिलता है, चाय पीता है, बात करता है, लेकिन सांसद हैं कि कुछ जानते ही नहीं। भागलपुर से राजीव सिद्धार्थ, बिहार तक।